बीच बीच में कुछ होगा इसको। एक सेकंड बेटा, एक बेटा है। अगर ये बड़ा तो इसे कम होना होगा, क्योंकि हमें इसे कांस्टेंट रखना है, हमें इसे और अगर ये बड़ा तो इसे कम होना, बिकॉज बाकी नहीं कुछ, बाकी नहीं बदल सकते। चलो माना पाइप ऊपर भी जा रहा है, आपने वेलोसिटी चेंज कर दी, क्या चेंज कर दी? इनमें से किसी एक को तो चेंज होना पड़ेगा। तो क्या वेलोसिटी चेंज होने से पाइप की हाइट चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज होने से जी बदल जाएगा? वेलोसिटी चेंज होने से डेंसिटी बदल जाएगी क्या? तो जो जिसको बदलना पड़ेगा मजबूरन, वो कौन है? फास्ट मूविंग मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, इट विल क्रिएट लो प्रेशर, इट विल क्रिएट लो प्रेशर, इट विल क्रिएट लो प्रेशर। फास्ट मूविंग फ्लूइड विल क्रिएट लो प्रेशर। इसका मतलब ये है कि एक एरिया में फ्लूइड नॉर्मल चल रहा था, एकदम से उसकी स्पीड तो वहां लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर को हम और भी अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। कैसे? अबे बैलून नहीं है ये, अबे 20 रुपए खर्च करके लाया हूं गरीब। हमारे पास एक बड़ी बॉल है बच्चों, एक छोटी, ओ ये तो सेम ले आया मैं बेटा, मैं कोई जादू। अच्छा और एक मैं और छोटी भी लाया था यार, ये एक और छोटी है, इससे छोटी भी लाया था मैं। एक्चुअली घर में बच्चे भी हैं ना मेरे, उन्होंने निकाल लिए। कह रहा है, कह रहा है मैं बॉल की फैमिली ले आया। ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आज एक बहुत ही अच्छा ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम है येलो क्लास। येलो क्लास इंडिया का सबसे बड़ा लाइव एंड इंटरैक्टिव हॉबी प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के साथ लगभग 20 लाख पेरेंट्स और बच्चे जुड़ चुके हैं और इस पर ट्रस्ट करते हैं, और हर महीने लगभग 10 लाख बच्चे इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे 3 to 16 ईयर्स के बच्चों के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, कुकिंग क्लासेस, योगा क्लासेस, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और इस प्लेटफॉर्म के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेंटर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि शान जी, रिपु धमन जी एंड विद्या मालवाड़े जी। ये ऐप कंप्लीटली फ्री ऐप है, इस ऐप पे आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। प्लस साथ ही साथ इस ऐप में बच्चे जो है क्लासेस के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जैसे कि एप्पल का आईपैड हो गया या एप्पल का लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये सारे प्राइजेस के क्विजेस यहाँ पे चलते रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक डैशबोर्ड का ऑप्शन बहुत अच्छा इन लोगों ने दिया हुआ है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे प्रॉपर तरीके से नजर रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनवरी के अंदर ये लोग एक कंपटीशन लेके आए हैं, और इस कंपटीशन के अंदर अगर एक बच्चा पार्ट लेता है तो वो 1 लाख रुपए का एप्पल का लैपटॉप भी जीत सकता है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लासेस शुरू करनी है और आप ऑटोमेटिकली इस कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फ्री में इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज का फायदा उठाइए। थैंक यू। हाँ वही मैं कहूँ यार, थोड़े पहले बाल सेट कर लो ना, अबे वीडियो बन रही है यार। फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स बेटा। देखो सबसे पहले ना हम यहां पे क्या समझेंगे कि मैं यहां, पहली बात तो एक हेयर ड्रायर हवा को बस क्या करता है, फास्ट मूव कराता है। मैंने इसका हीटर बंद कर रखा, हीटिंग वाला फैक्टर छोड़ देते हैं। मैं यहां से इसको क्या कराऊंगा, ऑन करूंगा, तो ये क्या करता है, बस यहां की हवा को खींच देता है। जैसे कि अब जैसे हवा कम पास होना होगी ना, क्योंकि यहां से हवा को खींचता है। बोलो फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स। सबसे पहले मैं सबसे घटिया प्रकार की, सबसे छोटी प्रकार की बॉल लूंगा। ये घटिया क्यों है? बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? ये जो बॉल है इस पे लाइनें हैं। क्या है? तो हमें वो जो चीज देखने उतने अच्छे तरीके से नहीं होगी, बट देखना क्या है आओ जरा समझें। हुआ क्या कि हमने इस बॉल के आसपास से बहुत तेज हवा दौड़ाना शुरू कर दिया, जो कि करेंगे अभी हम, तो इसके आसपास से हवा बहुत फास्ट मूव होने लग गई। फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स, तो इसके आसपास प्रेशर क्या हो गया?
और इसकी सराउंडिंग में प्रेशर क्या हो गया हाय, क्योंकि ये जो ब्लोअर है, ये जो ड्रायर है, वो सिर्फ ऐसे हवा फेंक रहा है, तो सिर्फ इतने हिस्से में हवा फास्ट मूव करेगी, बोलो, एंड फास्ट मूविंग एयर विल क्रिएट, लेकिन आसपास से प्रेशर क्या रहेगा और वो क्या लगाएगा, एज्यूमिंग दैट कि वो यहां से क्या लगा रहा है, फोर्स, और वो बॉल पे अगर यहां से क्या लगाएगा, तो कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे कि बॉल को किसने पकड़ा हुआ है, बट ऑब्वियस सी बात है बॉल ऐसे तो नहीं टिकी रहेगी, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें लाइनें हैं, इसमें तभी हम अलग अलग बॉल्स लाए हैं, इसमें छेद भी है, तो क्या होगा, हवा उसके अंदर भी जा सकती है ना, जा सकती है, जाएगी जाएगी, तो अभी देखो फिलहाल बीच बीच में कुछ होगा इसको, एक सेकंड बेटा, एक बेटा है, एक सेकंड, अच्छा हो क्या रहा है कि आस पास, मेरी आवाज भी, हो क्या रहा है कि आस पास फास्ट मूविंग एयर क्रिएट हो रही है, जो क्या क्रिएट कर रही है बेटा, ये छोटी बॉल है ना, छोटी बॉल चुलबुल होती है, ये घर का छोटा सदस्य है, अब हम थोड़ी सी बड़ी बॉल लेंगे, बोलो बच्चों, एक सेकेंड, मेरे को लगा था इसमें थोड़ी तमीज होगी, ये तो और बदतमीज निकली, अच्छा फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स, तो आसपास से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बॉल हवा में, अच्छा अगर मैं इस हेयर ड्रायर को साइड करूं, अगर जाने छोड़ो छोड़ो, अगर मैं अभी मैं इसको 1 की स्पीड पे चला रहा हूँ ना, अगर हम 2 की स्पीड पे चलाएंगे तो थोड़ा और ऊपर जाके ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, लेकिन फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स, ये हमारे पास इससे बड़ी वाली बॉल है बच्चों, अच्छा आप देखो ये वाली बॉल थोड़ी भारी है ना, जिसकी वजह से ये ड्रायर के पास ऑसिलेट कर रही है, बोलो, अगर मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा दूँ तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाके काम होने लग गया, अच्छा एंड सेकेंडली सबसे सबसे अच्छा हमें मतलब, क्योंकि ये लगभग लगभग हर तरफ से क्या है, यूनिफॉर्म है, बोलो, अच्छा अब अगर मैं इस ड्रायर को साइड करूं तो क्या होगा, देखो अभी भी हवा में ही है, बिकॉज फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स, अब वो ऐसे क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो, और यहां से फोर्स लग रही है और यहां से फोर्स लग रही है, बोलो बेटा, लेकिन एक लेवल आएगा जब ग्रेविटी हावी हो जाएगी, अभी भी देख लो हवा में ये कितना मैजिकल सा है, कभी तो नीचे आएगी, अरे भाई सबसे तमीज वाली बॉल है, अच्छा देखो हवा में घूम भी नहीं रही है अभी, क्या बात है, कहने का मतलब फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स, अच्छा ये वैसे हल्की है, बोलो देखते हैं कैसा बिहेव करती है, क्या बात कर रहे हो, अरे देखो ठीक है ये भी यार, मेरे को मजा आ रहा है, अरे बाप रे बाप, देख रहे हो, ओके, कहने का मतलब है बच्चों कि हो क्या रहा है इन सब केसेस में, अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इस बॉल को लेते हैं क्योंकि ये आसानी से दिख भी जाएगी, अभी फिलहाल अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, लेकिन जब यहां से फास्ट एयर फ्लो होने लग गई तो वो एयर यहां से ऐसे गई, यहां से ऐसे गई, तो उसको ज्यादा डिस्टेंस चलना था, सेम साइंस प्लेन में होने वाली है 5-10 मिनट के अंदर, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, हवा यहां से गई, यहां से गई, बोलो, बाकी हवा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उनको कम डिस्टेंस चलना है तो वो आराम आराम से चल रही है, इनको ज्यादा डिस्टेंस चलना है तो तेज चलना पड़ रहा है, बोलो क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर, लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो ऐसे फोर्स लग रही है, अखियों को गोली मारे तो यहां पे क्या, कौन, यहां से भी हाई प्रेशर, यहां से भी हाई, तो क्या ये बॉल कैसे रख रहा है, जैसे कि किसी ने ऐसे 2 फोर्स लगा रखी हो, वो हिल इसलिए रही है क्योंकि बॉल यूनिफॉर्म नहीं है, बोलो, जैसे इसमें एक थुंतरू है देखो यहां, हाँ है, वो एक अलग फोर्स लगा रहा होगा, बेटा यही बॉल अभी हम यही सेम साइंस पढ़ेंगे, बॉल को स्विंग कैसे करेंगे, तो वहां पे हम बॉल को नॉन यूनिफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन
क्या यह बर्नौली थ्योरम को समझाता है? कि जब भी एक एरिया में हवा फास्ट चलेगी, फास्ट मूविंग एयर विल क्रिएट लो प्रेशर। समझ गए? Yes, चलिए।